जगदम्बा सरस्वती। जगदम्बा सरस्वती देवी को सकल विद्या की अधिकारी देवी मानकर उनकी आराधना की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार सरस्वती देवी ने श्री कृष्ण के जिह्वा के अग्रभाग से जन्म लिया। इसका आध्यात्मिक रहस्य भगवान वाच सत्य ज्ञान के आधार से ऐसा कह सकते हैं कि सृष्टि के आदि समय पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान द्वारा ब्रह्मा को रचा जाता है। उनके मुखकमल द्वारा शिव परमात्मा ने दुनिया को त्रिकाल का ज्ञान दिया। वह मानव को सत्य ज्ञान से पावन बनाकर सतयुग की पुनः स्थापना करते हैं। ब्रह्मा की श्रेष्ठ रचना सरस्वती उनकी ही श्रीमुख से उत्पन्न हुई। देवी भागवत पुराण के अनुसार आदि पराशक्ति के परिपूर्ण तत्व गुण रूप को महासरस्वती बताया गया है। परमात्मा के सर्व गुणों का साकार स्वरूप है मां सरस्वती को संगीत साहित्य एवं कला की आदि देवी कहते हैं। वास्तव में मम्मा अत्यंत मृदुभाषिणी थी। बचपन से ही वह बहुत ही मधुरता से गीतों का गायन करती थी एवं एकांत में बैठकर मधुर वीणा बजाया करती थी। भक्ति मार्ग में सरस्वती देवी को इस तरह याद किया जाए। श्वेत वस्त्र धारिणी श्वेत पद्मासिनी श्वेत हंस वाहिनी ज्ञान वीणा वादिनी सुमधुर भाषिणी प्रभु प्रेम रागिणी शिव प्रतिध्वनि ज्ञानामृत वाणी तू ही मेरी प्यारी मम्मा तू ही जगत की है अम्बा तू ही ज्ञान की गंगा तू ही मेरी मीठी मम्मा। जगदम्बा सरस्वती को ओस की बूंद जैसी श्वेत वस्त्र धारण कर हाथों में वीणा लिए कमल पुष्प पर विराजमान वर्णित किया जाता है। ऐसा ही एक हाथ में अक्षय माला और दूसरे हाथ में ग्रंथ दिखाते हैं। उनके स्वच्छ स्वरूप को शुद्ध वस्तुओं से तुलना की गई है। स्वच्छ स्वरूप अर्थात संपूर्ण सतोगुणी संपूर्ण निर्विकारी स्थिति। ऐसा ही एक हाथ में अक्षय माला जिसको स्फटिक माला भी कहते हैं। इसे बहुत विशेषता संपन्न माना जाता है। यह माला अमूल्य ज्ञान का सूचक है।
ज्ञान की देवी सरस्वती के पास जो ज्ञान है वो अपरंपार है, वो ज्ञान का विपुल भंडार है। इसीलिए उनके हाथ में ग्रंथ को अलंकार के रूप में चित्रित किया जाता है। मम्मा का जीवन इस स्फटिक जैसा ही संपूर्ण स्वच्छ रहा। उनकी स्वच्छता एवं पवित्रता के आगे हर व्यक्ति अपनी कमी कमजोरियां महसूस कर परिवर्तन कर लेता था। एक दर्पण की तरह सामने मम्मा दिखाई देती थी। अनेक आत्माओं की मम्मा ने दुख अशांति दूर कर उन्हें शीतलता शक्ति प्रदान की। इस स्फटिक का एक गुण है शीतलता। जैसे इस स्फटिक को आग में जलाने पर भी वह सदैव शीतल ही रहता है, ऐसा ही मम्मा अपनी ज्ञानमय स्थिति के द्वारा सबको शीतल कर देती थी। अनेकों को साक्षात सरस्वती देवी जैसा ही प्रत्यक्ष अनुभव होता था। ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ पुराणों में महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती तीन शक्तियां भी दिखाते हैं। सृष्टि स्थिति एवं लय, इन कार्यों में तीनों शक्तियों को भी परमात्मा के साथ दिखाते हैं। इसलिए जगदम्बा सरस्वती को ब्रह्मा के साथ दिखाते हैं। ब्रह्मा के ज्ञान को स्पष्ट रूप से वर्णन करने वाली मां सरस्वती ही थी। विश्व परिवर्तन के लिए शिव परमात्मा ने ब्रह्मा की रचना की और ब्रह्मा द्वारा रची गई श्रेष्ठ रचना है मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मम्मा। अल्पायु में ही ओम राधा नाम वाली मम्मा के महान गुणों को पहचान कर ब्रह्मा बाबा ने उन्हें यज्ञ माता बनाया। उन्हीं के द्वारा संपूर्ण यज्ञ की पालना हुई। उन्होंने सबको मातृवत प्रेम प्रदान किया। स्वयं ब्रह्मा बाबा भी मम्मा को मामा कहकर संबोधित करते थे। आपने अपनी दिव्य पालना से अनेक योगियों को तैयार किया। उन सबकी मम्मा प्रेरणा मूर्त बनी। मम्मा त्याग तपस्या एवं दिव्य धारणाओं की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। इसलिए यज्ञ में वो हीरे जैसी चमक रखती थी। विद्यादायिनी दिव्य बुद्धि प्रदाता बनकर अनेक जन्म सरस्वती देवी के रूप में आराधना की जाने वाली वो संगम युग में यज्ञ माता बनकर हम सब आत्माओं की पालना के निमित्त बनी। वह धन्यभागी हैं जिन्होंने ऐसे गुणमूर्त ज्ञानमूर्त धारणामूर्त देवी तुल्य मां की पालना प्राप्त की। तो आइए मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की दिव्य शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर हम भी उनके समान दिव्य गुण संपन्न बने। जब तक सूरज चांद गगन में
और सागर में पानी है, याद करेगी दुनिया तुमको, ओ माँ तेरी अमर कहानी है, ओ माँ तेरी अमर कहानी है, अमर कहानी। ओम शांति।